पाकिस्ताना स्कूल माशाल्लाह थैंक यू सो मच थैंक यू अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह ये मेरिनेशन देखिए आप क्या बात है कितने घंटे मेरीनेट किया होगा इसको और निसार चर्सी के साथ आपका ताल्लुक कैसा है जी जी निसार चर्सी का ताल्लुक हमारा इधर छोटा पड़ा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मंसूर स्पीक्स आपको एक नए ब्लॉग में वेलकम करता हूँ इस वक्त मैं आया हूँ इधर सफ़ीर मॉल के सामने जो कि मोहम्मद बिन जायद सिटी में है और हम जाएंगे बहुत सारा शॉपिंग करने और बहुत सारा खाना खाने ये बड़ी अच्छी बात कही आप जैसे ही आप सफ़ीर मॉल पहुँचते हैं मवाल अल शाम एक रेस्टोरेंट आपको मिलेगा जिसमें मैं आपको कुछ यूनिक सा दिखाने वाला हूँ इस वक्त इनके जो शवरमाज है तीन डिफरेंट शवरमाज फर्स्ट जो है ये बीफ का है ठीक है दूसरा स्पाइसी चिकन और ये नॉर्मल चिकन लेकिन ये साइज़ आप देखें कि कितना बड़ा साइज़ है यार ये एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह सीरिया से हैं जो ये चला रहे हैं ठीक है और बहुत ही फैंटेस्टिक टाइप के शवरमाज बना रहे हैं लुक लेट मी जूम इन लुक एट दैट थिंग Look at that thing, amazing. Look at this. यही नहीं अभी और सुनिए ये देखिए आप माशाल्लाह amazing. amazing, amazing. And this one is spicy, right? Okay, what fantastic shawarmas, guys. Fantastic. Shawarma, mashallah, mashallah, mashallah. Wow, this is fabulous, fabulous. Mashallah, mashallah. And that one is beef, right? Okay. Yeah, this is beef. Wow, this is so delicious. और ये इनका नाम है ठीक है आप देख सकते हैं मवाल अल शाम दिस इज सो अमेजिंग फैंटेस्टिक ये बिल्कुल सफ़ीर मॉल के सामने हैं जैसे ही आप आते हैं ना सफ़ीर मॉल के सामने ठीक है और ये आप देख सकते हैं ठीक है ये देखिए आप एक बाइट बना रहे हैं मेरे लिए वाओ माशाल्लाह हबीबी वाओ अमेजिंग सफ़ीर मॉल के अंदर मैं आ चुका हूँ ओके सो दे कॉल्ड इट मैंगो मेला ठीक है ये डिफरेंट मैंगोस ठीक है लेकिन द फनी पार्ट इज कि पाकिस्तानी कोई मैंगो इधर नहीं है ठीक है ये सारे इंडिया से हैं एंड दिस इज अमेजिंग फैंटेबुलस ये देखिए आप वाओ Wow. Especially these kiwis. यार खजूर लेते हैं इसमें से कौन सा लें हम ठीक है थैंक यू कानी को दिया मुझे ठीक है देखते हैं अमेजिंग कैन यू मेक इट लाइक टू बैग्स हाफ के जी ईच या खजूर की परचेजिंग हो गई अभी हम आगे चलते हैं ठीक है पहले हम थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे घूमेंगे फिरेंगे उसके बाद जाके हम खाना खाएंगे ठीक है ये लेजेंडरी ओमान बताते क्या बात है ये इस मैदान इधर आओ इस ब्लॉग में आप आ रहे हो ठीक है और इस दफ़ा मैं एडिट नहीं करूँगा आपको आप इसी तरह जाओगे उसमें ठीक है हमजा खान आपके सामने कह रहा हूँ बस ठीक है आ जाओ अभी आगे फैंसी केक्स
यू नेम इट एंड हैव इट, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट डिजाइंस, और अगर आपको ज्यादा स्वीट्स पसंद हो ना तो आप इधर आ जाओ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इनसे शावर में लेंगे, ठीक है, और शावर में लेके फिर हम आपको दिखाएंगे। या सो ये शावर में इधर मिल रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक। ओके या स्पाइस या एंड देन यू विल सी माशाल्लाह। लुक एट दीज वंस, दिस इज अमेजिंग यार। यू नो देयर इज वन गाय फ्रॉम सूर्या, he make in Islamabad, Pakistan. Yes, he's Surian. He went there and he has a big restaurant, trust me. I'm from Pakistan. Yes, yeah. Pakistan na speak kar. MashaAllah. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. शवर में हमें मिल चुके हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा बोला कि यार मुझे नहीं खाने शवर में, क्योंकि हमें जाना है एक जगह पे खाने के लिए, ठीक है। ये हमज़ा है मेरे साथ और इस्माइल अंदर है, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आपने शवर में ये लाजिम खाने हैं हमारे। तो फिर मैं उनके पास दोबारा चला गया, क्योंकि मैं इधर आता रहता हूँ, तो वो खफा हो रहे थे, तो मैंने उनसे फिर शवर में ले लिए। और लेट्स सी कि इसको टेस्ट हम करेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर माशाल्लाह, कैसा टेस्ट है शवरमों का? कम हाजा शवरमात टेस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू मतअम नवाल अल शाम, मवाल अल शाम सॉरी। और ये मवाल अल शाम के शवर में है, ठीक है। अगर आप इधर कभी आते हैं सफ़ीर मॉल के आसपास में, मोहम्मद बिन जैद सिटी शाबिया में, तो इनके शवर में फैंटेबुलस, ठीक है, आके इनसे कुछ खाइए ज़रूर। तो इस वक्त हम खाना खाने आ चुके हैं और सफ़ीर मॉल से निकल के हम इधर आ चुके हैं। ऑर्डर कर रहे हैं हम कुछ ट्रेडिशनल बनू पुलाव। अच्छा, हमको सिखा रहा है। लेकिन इधर मेरा एक दोस्त है मुकाम खान, अगर आप लोगों को पता हो, चरसी का जो बंदा था उधर, निसार चरसी के साथ जो काम करता था, ठीक है, चैम्पियन बोलते हैं उसको यूट्यूब की ज़बान में, तो वो भी इधर है, ठीक है, बनू गुल के साथ। तो मैं उसी को ढूँढ रहा हूँ, जैसी ही वो मिलता है हम कुछ अच्छा सा ऑर्डर करेंगे और वो ख़ुद बना के लाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स सी, चैंपियन का वेट करते हैं। और उस भाई साहब ने चैंपियन के पीछे एक बंदे को भेज दिया है, ठीक है, थैंक यू। तो आने दो फिर चैंपियन को, और हम उससे गपशप भी करेंगे, ठीक है, और खाना भी खाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये मैरिनेशन देखे आप, क्या बात है, कितने घंटे मैरिनेट किया होगा इसको? सर जी ये तकरीबन 3 घंटे ले लेता है। 3 घंटे मैरिनेशन है इसकी, ज़बरदस्त। ये मैरिनेशन आप चेक करें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये भाईजान हमारे लिए लगा रहा है, ठीक है, चांप लगाएगा ये पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर तिक्का लगाएंगे, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, फैंटास्टिक। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह, फैंटास्टिक, सही माशाल्लाह हबीबी, दिस इज गुड। तो अभी ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और इसके बाद ये टेबल पे जाएगा, टेबल पे जाके फिर मैं आप लोगों को इसके शेफ से मिलवाता हूँ, और फिर उससे काफ़ी ढेर सारी बातें होंगी। तो इस वक्त हम टेबल पे हैं, सैलेड आ चुका है हमारा, और वेट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम इधर आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने हमारे लिए ये जो टिक्के बनाए हैं, ये वो बंदा है जो निसार चरसी के साथ टिक्के बनाता था और हेड शेफ था उधर नमक मंडी पेशावर में, ठीक है, निसार चरसी को हर कोई जानता है। तो अभी वो आने वाला है, उससे भी बात होगी, और जैसे ही हमारा खाना आता है हम आपको भी दिखाएंगे और मिल बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसका वेट करते हैं चैंपियन का और फिर बात करते हैं। तो ये हमारा जो पहला जो डिश है ये आ चुका है, बन्नू पुलाव, ठीक है, किसी तारफ़ का मुख्ताज नहीं है, ठीक है,
क्योंकि हर किसी को पता है कि बन्नू पोलो क्या चीज़ है और मेरे इस चैनल पे काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों को दिखाया है। शुरू कर जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो टिक्का और हमारे चॉप्स आ चुके हैं, ठीक है। ये लैम के चॉप्स हैं दुम्बा की, ठीक है, और ये टिक्का है, ठीक है। तो शुरू करते हैं खाने का हमजा जी। तो मैं पहले इससे थोड़ा सा स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। ये गोश्त आप चेक कर, ठीक है, बेहतरीन गोश्त। ये कोलेजिन है भाई, कोई कोलेजिन की गोली मत खाओ, इधर आओ, ये बन्नू पोलाव खाओ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ अमेजिंग। तो खाने के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात करता हूँ इंशाल्लाह। ओके, तो मेरे साथ वो बंदा बैठा है जिसने हमारे लिए ये खूबसूरत खाने बनाए, ठीक है। ये चॉम्प से, ठीक है, और ये टिक्के। तो आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि आप यूएई में कब आए हैं और निसार चर्सी के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? जी जी, निसार चर्सी का ताल्लुक हमारा इधर छोटा पड़ा होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो बहुत खूबसूरत आदमी है, इसको मैं कारीगर था, इसको छोटा मैं बड़ा हो गया, इसको इधर 1.5 साल हो गया इधर से आ रहे हैं। ओके, 1.5 साल से आप यूएई में हैं जी इधर, और निसार चर्सी के साथ आप बचपन से काम किया है। निसार चर्सी की अल्लाहाबाद रखने इधर में वो काम सिखाएगा। बहुत अच्छा टाइम इधर गुजर रहे थे और बहुत अच्छा मेरा बड़ा उस्ताद है निसार चर्सी। और निसार चर्सी दुकान था नमक मंडी में, ये 70 साल से है। 70 साल पुराना दुकान है और ढेर मजेदार टेस्ट इधर पाकिस्तान मिलेगा। सारा जगह में इधर आदमी आते हैं। इसको पास 1.5 साल पहले इधर मैं आ रहे बनुगोल में 17 नंबर मुसफा में। अब इधर ए टेस्ट में बनाएगा जो तुम पहले दिखाएगा और इसको सिर्फ नमक डालेगा। वो सब पाकिस्तान से आ रहे और सब पाकिस्तान वाले सब खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। वो बहुत मजेदार स्पेशल टेस्ट है, इसको गिनी है। ये सिर्फ सादा नमक डालेगा, नमक डालेगा। बहुत लोग सऊदी से आते हैं, बहुत इधर से आते हैं, बोलो बोलो इधर अमारात में बहुत मशहूर होटल है और अच्छा खाना स्पेशल मिलेगा। ओके, सो जैसा कि आपने सुना, ठीक है, अभी हम खाने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और चैंपियन से मिलके आप सबको बहुत बहुत खुशी हुई होगी। अगर आपका कोई कमेंट है कुछ है तो आप कर दीजिए। और लोकेशन है इनका मुसफा 17 में, जैसे ही आप आते हैं बनुगुल बनुगुल बीफ पोलाव। इसको बाद इधर 17 नंबर में 17 नंबर में आना, 26 नंबर में दुबई में अलखोस में बनाया चार मेरा शाख था, ये पुराना शाख बनुगुल। इसको इसको मसाले मसाले कुछ नहीं है, बस सादा गोश्त। अच्छा सादा गोश्त और सादा खाना था, बहुत मजेदार बेहतरीन, बीमार हम खाएगा, कुछ मसाला नहीं है। और हर जगह से लोग आते हैं, बहुत पसंद था। वस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चैंपियन भाई की बातें आप लोगों ने सुनी और बड़ी मीठी बातें की, तो आप भी लोग आइए हमारे साथ, बैठिए खाइए, ठीक है, और मिलते हैं खाना खाने के बाद इंशाल्लाह। चाम कैसा है? सो ये सिचुएशन है कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने पोलाव और जितने चाम्स वगैरह थे, जितने भी टिक्के थे, सारे हमने खा लिए हैं। और ये बोन मैरो देखो नली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये खूबसूरत सा ब्लॉग जो कि सिर्फ खाने के बारे में था पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी व्लॉग में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।